हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग को कैसे चालू कर सकते हैं और उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड ऑनलाइन घर बैठे ही कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट ओपन करिए अपने ब्राउज़र पर। फिर ब्राउज़र पर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक डिजिटल करके एक ऑप्शन नज़र आएगा, आप उस पर कर्सर अपने माउस का लेकर जाइए या उस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, आपको यहाँ पे आना है इंस्टेंट बैंकिंग के दूसरे वाले ऑप्शन पे, बड़ौदा कनेक्ट इंटरनेट बैंकिंग, उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज दिखेगा। इस पेज में लॉगिन का दो ऑप्शन होगा, एक तो रिटेल यूज़र और एक कॉरपोरेट यूज़र, लेकिन आपको लॉगिन नहीं करना है क्योंकि अभी जो आपने जो है आप आईडी नहीं बनाई इंटरनेट बैंकिंग की। तो नीचे आपको आना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, और यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन पे क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक आपको लिंक दिखाया जाएगा और यहाँ ऊपर लिखा हुआ ओपन योर इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र एंड टाइप, तो इस लिंक पर आप क्लिक करिए। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो फिर से एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पे भी वही लॉगिन का ऑप्शन है, लेकिन हमें लॉगिन नहीं करना है अभी। यहाँ पे दिखाया जा रहा है नॉट रजिस्टर्ड रिटेल यूज़र क्लिक हियर, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वैसे मैंने बता दिया एकदम बिल्कुल साफ साफ। फिर आपको एक नया पेज दिखाई देगा, तो इस पेज में आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन वही बैंक ऑफ बड़ौदा की एक्टिवेट करा सकता है और उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकता है जिसके पास जो है डेबिट कार्ड और बैंक ऑफ बड़ौदा का, और उसका मोबाइल नंबर, उसका एक्टिव मोबाइल नंबर जो उसके पास मौजूद है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक अकाउंट से लिंक हो। तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की डिटेल में अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ATM पिन और ये कैप्चा टाइप करके वैलिडेट पे क्लिक करके प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये वर्चुअल कीबोर्ड है, इस पर जो है करेक्शन टिक लगा हुआ है। तो अगर आप करेक्शन टिक लगाते हैं तो जो वर्चुअल कीबोर्ड है आप सिर्फ इसी से अपना ATM पिन टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इस करेक्शन टिक को हटा देते हैं तो आप अपने PC के कीबोर्ड से भी ATM पिन टाइप कर सकते हैं। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर इस पर टिक लगा हुआ करेक्शन टिक और कोई अपना कीबोर्ड यूज़ करेगा तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, टाइप नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आप अपना पूरा डिटेल, डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल देने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो फिर आगे प्रोसेस बढ़ता है और यहाँ पे OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। वो OTP आप जो है यहाँ पर एंटर करिए और एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फिर जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इंटर यूज़र डिटेल्स आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है टाइप ऑफ फैसिलिटी, इसको आप अगर गड़बड़ कर देंगे तो मामला पूरा गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ फैसिलिटी में चूज़ करना है। क्लिक करके यहाँ पे आएंगे तो दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, सबसे पहले व्यू राइट्स ओनली और दूसरा ऑप्शन है बोथ व्यूज़ एंड TXN राइट्स। तो अगर आप व्यू राइट्स ओनली पे क्लिक करते हैं तो आप सिर्फ जो है अपने बैंक अकाउंट की डिटेल ही देख पाएंगे, उसमें कितना पैसा है, कितने ट्रांजैक्शन हुए, ये सब फलाना ढिमका। लेकिन अगर आप जो है बोथ व्यू एंड TXN राइट्स करेंगे तो उसमें आपको उसको देख भी सकते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल भी देख सकते हैं और ट्रांजेक्शन्स के राइट भी होंगे, ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं उसमें, अपने अकाउंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, पैसे फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट वगैरह जो जो होते हैं इंटरनेट बैंकिंग से। फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे जो इंटर प्रेफर्ड यूज़र आईडी यानी आपसे यूज़र आईडी मांगी जा रही है, ये बनाने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अपने मनपसंद की यूज़र आईडी जो आप रखना चाहते हैं वो रख दीजिए। तो यहाँ पर तीन दिया हुआ है क्योंकि तीन जो है आप अलग अलग डालिए ताकि जो है उसमें से जो अवेलेबल हो इनके पास वो यूज़र आईडी आपका हो जाएगा। अब अगर आप एक डालते हैं तो उस हो सकते हुए अवेलेबल हो ना हो, तो इसलिए लोग तीन यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए रहते हैं ताकि आप जो है तीन यूज़र आईडी डालें, उसमें से जो अवेलेबल होगा वो आपकी यूज़र आईडी बन जाएगा। फिर यहाँ पे पासवर्ड है, दो तरह के पासवर्ड, एक साइन ऑन पासवर्ड है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड
और दोनों को दोनों दो बार इंटर करने हैं। तो साइन ऑन पासवर्ड वो होता है जो आप जो है इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांजैक्शन पासवर्ड वो होता है जो आप ट्रांजैक्शन जब करते हैं तब इस्तेमाल किया जाता है इस पासवर्ड का। तो इसको आप दोनों बार इंटर कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन हो जाएगा इसका इंटरनेट बैंकिंग का, और आपको आपकी यूज़र आईडी बता दी जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो मुझे जो है बता दिया गया है योर ऑनलाइन यूज़र क्रिएशन प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड योर आईडी। तो मैंने यहाँ पे अपनी आईडी हाइड कर रखी है, इज़ एक्टिवेटेड फॉर लॉगिन, क्लिक हेयर टू कंप्लीट द फर्स्ट टाइम लॉगिन प्रोसेस। मैं अगर क्लिक करके लॉगिन करता हूँ तो मेरा फर्स्ट टाइम लॉगिन प्रोसेस वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी फिर से ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट की कोई डिटेल वहाँ पे मौजूद नहीं होगी इंटरनेट बैंकिंग पे। तो आप सोचेंगे कि ये क्या गड़बड़ी हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप नोट पढ़ सकते हैं, योर अकाउंट डिटेल्स विल बी अवेलेबल आफ्टर 24 आवर्स। यानी कि आपके जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं वो 24 घंटे के बाद अवेलेबल होंगे आपके इंटरनेट बैंकिंग में। तभी आप देख पाएंगे कि कितने खाते हैं आपके, कौन कौन से खाते हैं, क्या क्या हैं, जो भी डिटेल्स हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको कोई डाउट हो इसके बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।